कि शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है, और वही हैं जो इस कहावत को सच कर दिखाते हैं कि जहां पर शेर पैदा हो वो हिंदुस्तान होता है। वाह 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 अमित। और एक बात चकिया वालों, मैं अब कोई समय आपकी और सुंदरानी जी के बीच नहीं लेना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं। सचमुच हम सब कहीं दूसरी तीसरी रात पर जरूर होते हैं कार्यक्रम पर, हम लोगों को अक्सर भूल जाया करता है, लेकिन एक बात कहता हूं कि पिछले 6 घंटों से आपने इस कवि सम्मेलन को न सिर्फ सुना है बल्कि जिस तरीके से जिया है, सचमुच पूरे मंच के हर कवि की ओर से मैं दोनों हाथों से बारंबार सलाम करता हूं आपको। और जिस ऊर्जा के साथ यह कार्यक्रम इसलिए जिंदा है क्योंकि वाणी वंदना के समय जिस तरह ऊर्जा दिख रही थी इस कार्यक्रम में, वही ऊर्जा आदरणीय सिंगना दी जी के कार्यक्रम के पढ़ते समय भी दिखाई दे रही थी। शायद इससे बड़ा कार्यक्रम की सफलता का कोई क्षण नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को प्रणाम करना चाहता हूं तो इन खड़े हुए लोगों को करना चाहता हूं जो पिछले 6 घंटों से लगातार कविता सुन रहे हैं। खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए अब मैं जिस विशेष कार्य के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां पर एक बैठी शख्सियत जिन्होंने संचालन में आपको कितना हंसाया, कितनी बार वो चकियाएं हैं मुझे नहीं पता, ये भी नहीं मैं जानता, कितना आप उन्हें प्रेम देते हैं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इस बात से उनका सम्मान करता हूं और मैं सिर्फ इसलिए उन्हें जानता हूं कि सतना की माटी से निकलकर एक ऐसी शख्सियत, हमारी बिंद क्षेत्र का एक ऐसा नाम, जब वो सरहद पार करके दुबई पहुंचे तो उस समय भी उन्होंने जब काव्य पाठ पर माइक पर आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं सतना बिंद प्रदेश हिंदुस्तान से आया हूं। शायद ये उनका, ये हमारे लिए आपके लिए भी गौरव का क्षण था। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बुलाइए। और हास्यव्यंग के उस बड़े वीर के लिए, शायद मैं उनके काव्य सफर और साहित्यिक जीवन के बारे में बताने लगूंगा तो ये निशा छोटी पड़ जाएगी और मेरे कंठ में शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्होंने जो आज की रात चमत्कार किया है और इन कवियों के साथ आपके साथ किया, और एक बात कहना चाहता हूं मैं, इन कवियों ने बार बार कहा है कार्यक्रम इसलिए भी सफल था क्योंकि कलमकार ही करा रहे थे कार्यक्रम और कलमकार ही सुना रहे थे कार्यक्रम। हम और आप जैसा दादा ने कहा कि भाई भाई ही हैं, केवल हमारे और आप में अंतर इतना है, पत्रकार और कवि में केवल इतना है, हम एक ही भाई हैं, हमारे में बस एक ही अंतर है कि आप घटना के बारे में समाज को सूचित करते हैं और हम घटना के बारे में समाज को सचेत करते हैं, बस हमारे और आप में इतना अंतर है, इसलिए आपने कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आइए पूर्णाहूत के लिए उस बड़े हास्यव्यंग के वीर को आमंत्रित करते हैं, काव्य का उपसंहार हो लेकिन एक भी हाथ खामोश ना रहे उस हास्यव्यंग के बड़े वीर के लिए जिन्होंने आपको घंटों हंसाया है, 6 घंटे से इस काव्य महल को ऊंचाई तक पहुंचाई और आखिरी क्षण तक ले आए हैं इस कार्यक्रम को। आपकी तालियां उन्हें बुलाएंगी जब मैं 4 पंक्तियां उनके बारे में कह रहा हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। क्या किया है सुंदरानी जी ने, क्या किया है इन कवियों ने रात भर, शायद किसी बड़े कवि की 4 पंक्तियां और अंतिम पंक्ति की पढूं तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। बुलाइएगा जिन्होंने इतनी मेहनत की है 6 घंटे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार ताली से आदरणीय अशोक सुंदरानी जी। जो जो अमित को लिख के दिया था उसने सब बोल दिया भगवान का सामने। इतनी देर तक बैठे रहे, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ। सच बता रहा हूँ कि बहुत कवि सम्मेलन ऐसे होते हैं कि जिनको यादगार कवि सम्मेलन कहा जाता है। ये जितने कवि मेरे पीछे बैठे हुए हैं इनको अगले साल तक भी ये चकिया, जब तक ये दोबारा नहीं आ जाते तब तक चकिया कवि सम्मेलन 364 दिन के जहन में रहेगा। इतना बढ़िया सुना है आप लोगों ने, इतना बढ़िया, हमको क्या, मुझे तो गिनती भी याद नहीं है मैं कितनी बार आया हूँ। हर बार जिस चौराहे पर जाते थे, जिस सड़क पर जाते थे, आ गए भाई साहब, बस आप आ गए हो तो अच्छा हो जाएगा। मेरे को डर लगता है ये सब सुन के कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीद उनकी टूटे। क्या होटल वाले, क्या वो आप लोगों ने खाना खिलाया, वो शिव भंडार, क्या नाम था उसका, शिव कुंज में क्या खिलाया, भगवान कसम लगता था यहीं चकिया में रह जाए। क्या चाय पिलाई, क्या बढ़िया है। वो कह रही थी कि ये पिज्जा और बर्गर नहीं मिलता खाने को, चकिया में रह जाइए। सच में क्या क्या चकिया के श्रोता हैं। मैं किसकी कसम खाऊं, बब्बन जी आप ही बच्चे हैं। ये बढ़िया है।
सांसद भी गए, विधायक भी गए, एसडीएम भी गए, सब गए, जिनको जाना था वो नहीं गए, आप बच्चे हैं। हाँ, प्रतिनिधि तो बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर, मैं सच बता रहा हूँ, क्या श्रोता है, मुझे तो लगता है कि चकिया का एक एक श्रोता भगवान कसम पेटी में बंद करके बाहर भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्यात करने वाले श्रोता, भगवान कसम। बहुत अच्छा। मैं तो डिमांड करता हूं मोदी जी से कि कवि सम्मेलन कहीं पर भी हो, श्रोता तो 4-6 चकिया के होना। बब्बन जी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर के कंधार तक, पीछे अटक से लेकर के कटक तक, दोहा से लेकर के कतर तक, मैंने इतने प्यारे श्रोता कहीं नहीं देखे। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया नहीं। ये बढ़िया है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने कमाल सुना है साहब, कमाल सुना है। मुझे लगता था कि एक कवि आता था, लगता था अब इसके आगे क्या, दूसरा कवि आता था, आप लोग उससे ज्यादा प्यार देते थे। दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी ने तो कमाल ही कर दिया, सबने अपना बेस्ट दिया, चाहे प्रमोद पंकज जब पढ़ रहे थे तो लगता था इसके आगे कौन पढ़ेगा, अमित शुक्ला जब पढ़ रहे थे तो लगता था कि कमाल ही कर दिया, अब इससे आगे क्या पढ़ा जाएगा। लेकिन आप लोगों ने सुनने में ना कहीं कमी रखी। ये कह रहे थे जो लोग पीछे खड़े हैं इनका शुक्रिया। हमारे देश की विडंबना ये है कि जो लोग पीछे खड़े हैं ना, जो लोग हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, वही लोग चुनाव में खड़े नहीं होते हैं। जिस दिन ये पीछे खड़े लोग खड़े होना चालू हो जाएंगे, उस दिन देश खड़ा हो जाएगा, भगवान की कसम। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। अच्छा, ये टिप्पणी YouTube में चली जाएगी, दूसरे दिन से कई लोग सुनाने लग जाएंगे। ये YouTube का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, YouTube ने लोकप्रियता बहुत दी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोकप्रियता बहुत दी है, जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां कई बार तो लोग कहते हैं कि वो वाली सुना दीजिए, तो मुझे आश्चर्य होता है, मैं तो यहाँ आया नहीं। बोले नहीं साहब, आपको YouTube पे सुना था। तो YouTube को भी सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। क्या होता है कि 3:45 कोई ऐसे कार्यक्रम शुरू हो गया था, अब 8 से ऊपर टाइम हो गया होगा, है ना, मेरे ख्याल से 8:30 हो रहा होगा। इतने घंटे तक कवि सम्मेलन चलना, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, विदेशों में कवि सम्मेलन नहीं होते, इतने घंटे में तो आधों का प्राणांत हो जाए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, इतने घंटे तक कोई बैठ ही नहीं सकता विदेशों में। ये जो कोरोना में इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, ये जो ज्यादा लोग मरे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं। 5 घंटे कवि सम्मेलन चला दीजिए, कोरोना से उतने नहीं मरे जितने इससे मर जाएं। भगवान कसम, सही बता रहा हूं, इतनी देर तक कोई सुन ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान की जनता ही है जो 70 साल से सब सुन रही है और बर्दाश्त कर रही है, देख रही है, सब कुछ सुन रही है। हम लोग तो क्या है, मुस्कुराने वाले लोग, हमारे श्रृंगार हमारे बाप के बस का नहीं है श्रृंगार लिखना। ये लिखती हैं श्रृंगार, व्याख्या जी लिखती हैं, सोनी मिश्रा लिखती हैं, ये सब लिखती हैं, प्रीति पांडे लिखती हैं। हम लोग तो श्रृंगार लिखें भी तो इधर उधर चला जाए, हम लोग लिखें तो उसकी निगाह से तीर चला। हाँ भैया, तहसीलदार साहब भी बैठे हैं साहब, आपको आपके आप लोगों का तो प्रांगण है सर, आपका तो प्रांगण है सर। मैं पता नहीं कहाँ था, हाँ मैं कह रहा था कि श्रृंगार हम क्या लिखें, हम तो कुछ भी लिखेंगे हास्य की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा पैर सीधा कर लें, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे आप मुगले आजम हो, हम अनार कली। थोड़ा सा ऐसे आराम से, माफ कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, किडनी पे लीजिएगा। दिल एक है होता है, किडनी दो होती हैं, एक चली भी गई तो एक से काम चलेगा। मेरी बात को बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं कह रहा था कि आइए सर बैठिए, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं कोई ज़्यादा, दुष्यंत शुक्ला जी ने बहुत अच्छा सुनाया, मैं कोई टेंशन नहीं देता, मैं तो हल्की फुल्की बात करता हूँ, टेंशन देने का कोई मतलब नहीं है। टेंशन ये लड़कियाँ जितनी बैठी हैं, ये कवित्रियाँ हैं, लड़कियाँ कॉलेज की लड़कियाँ, कॉलेज के टाइम में किताबों में फ़ोटो रखती हैं सलमान का, शाहरुख का,
विवेक ओबेरॉय का, बाद में उनकी शादी किसी जेठालाल से होती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सपने में ज्यादा देखता नहीं मैं, ज्यादा देखिए वीररस की बातें उनको मुबारक, मैं टेंशन देता नहीं। टेंशन देना बहुत आसान काम, हंसना थोड़ा मुश्किल काम, हंसाना उससे किसी को टेंशन देना एक मिनट नहीं लगता भाई साहब। कोई इधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना है, आप एक मिनट उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते, और चुपचाप निकल लो। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा भगवान के संग। कौन था यार, कहां मिला था, शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव तो नहीं था, आपने एक मिनट खर्च किया, टेंशन दे दिया। और बड़ा टेंशन देना हो, और बड़ा, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में कोई आदमी पति पत्नी के साथ आ रहा हो, पत्नी सुंदर हो, वो खुद सुंदर ना हो, आप उसकी बगल से निकलो, पति की तरफ ध्यान मत दो, पत्नी को बोलो भाभी जी नमस्ते, बाकी बातें अपन फोन पे कर लेंगे। और निकल लो चुप, तो जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा उसको कि कौन था जो मुझे नहीं जानता था तुझे जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली है, कुछ नहीं। इसलिए टेंशन वेंशन देने का कोई मतलब नहीं है। ये बार बार कहा दुष्यंत भाई ने कि मैं तालियां मांग लेता हूं, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां क्यों क्यों बजाने के लिए कहते हैं? तालियों से कोई कवि छोटा बड़ा नहीं होता। तालियां बजाने के लिए आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है। क्या टिप्पणी, वाह, बाकी तो सारी चीजें बट गई साहब, विडंबना है साहब इतनी कि रंग तक बट गए, केसरिया तुम्हारा, हरा तुम्हारा, रंग बट गए साहब सांप्रदायिकता में। ऐसे में कम से कम जानवर बट गए, गाय हमारी बकरी तुम्हारी, तब ताली ही एक ऐसी चीज बची है कम से कम जो सांप्रदायिकता से बची है। ताली हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है भाई साहब। ये सांप्रदायिकता से मुक्त है ताली। ताली सिंधी बजाए, गुजराती बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे चकिया के अच्छे लोगों, ताली तो इस बात पर उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है साहब। इसलिए भी ताली बजनी चाहिए साहब। हम लोग क्या करें साहब, बाबाओं की बात बहुत ही, तालियां बजाते रहिए। बाबा रामदेव आए, हम लोग भोले भाले लोग हिंदुस्तान के लोग, बाबा आए, धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, हम लोग भोले भाले लोग दाएं खींचो बाएं छोड़ो करने लग गए। हम लोग योग करने लग गए तो बाबा धंधा करने लग गए। अब हम लोगों के बाबा बनने की नौबत है साहब। हिंदुस्तान विडंबनाओं का देश है साहब। यहां कोई भी आया उसने अपनी बात कही। एक आया, मैंने बाबा के पास चरणों में लेट गया, बोले बाबा सर में दर्द है बहुत, क्या करूं? बाबा बोले बेटा शीर्षासन करो, लाभ होगा, और लाभ हो तो बताना। दूसरे दिन आया बड़ा प्रसन्न, अरे बोले बाबा बड़ा फायदा हुआ शीर्षासन करने से, बोले सरदर्द ठीक हो गया? बोले ना बाबा सरदर्द तो ठीक ना हुआ, लेकिन शीर्षासन किया तो एक तेल की शीशी 2 महीने से ना मिल रही थी, अलमारी के नीचे दिखी वो शीर्षासन करने से। ये मस्तियों वाला देश है हमारा हिंदुस्तान, हंसी मुस्कुराहट चारों तरफ बिखरी पड़ी है साहब। ये कमाल का देश है, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 4 पंक्तियां मेरा अंतिम में क्रम है, मैं भी 4 पंक्तियां देता हूं, अच्छा लिख लेता हूं मैं भी, कभी कभी माँ सरस्वती की मेहरबानी हो जाती है तो कलम में 4 अच्छी पंक्तियां आ जाती हैं। शहीदों पर बात की दुष्यंत शुक्ला सिंह, उसका दर्द अपनी जगह जायज है। हमारा मीडिया, जिस कसाब ने मुंबई पर गोलियां चलाई उसको तो 30 दिन में 28 दिन दिखाता है, लेकिन वो तुकाराम ओंबले जिसने 28 गोलियां अपनी छाती पर खाई 2 मिनट भी उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं होता है साहब। हमारे बच्चे कैसे याद रखेंगे तुकाराम ओंबले को? वो पुलिस की वर्दी बैठी हुई है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं खाकी वर्दी। कमलेश कुमारी का नाम कितने बच्चे जानते होंगे जिसने संसद पर चलने वाली गोली को अपनी छातियों पर झेला, वो कमलेश कुमार। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता ही उनको, कसाब को दिखाएंगे, जिन्होंने संसद पर हमला किया उनको दिखाएंगे, जिन्होंने बंबई के होटल पर गोली चलाई उनको दिखाएंगे। 4 अच्छी पंक्तियां देता हूं,
मैं 4 या 5 मिनट आपके बीच में हूँ। कवि सम्मेलन त्रिपाठी जी कहाँ गए? मैं उनको बधाई देता हूँ सर, और पूरे उपजा के लोगों को बधाई देता हूँ। ये कवि सम्मेलन आयोजित करिए सर, जिनका लक्ष्मी पैलेस है, खूब दिल खोल के दीजिए। ये अगली पीढ़ी को शहीदों के प्रति सम्मान अर्जित करने में मदद करता है। लक्ष्मण जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ। 4 अच्छी पंक्तियां देता हूँ, मेरे जीवन की श्रेष्ठतम पंक्तियां आपके चरणों में देता हूँ। बहुत सारे नाम लिए, व्याख्या जी ने भी नाम लिए, विख्यात ने भी नाम लिए, एक नाम रह गया साहब जो नाम उल्लेख में आना चाहिए, जिसका नाम का जिक्र करना जरूरी था, और वो नाम था हनुमान थप्पा। क्या साहब, क्या कम, क्या देश है हमारा। विदेश के लोगों के सैनिकों के हाथ में आप 1 घंटे बर्फ रख दो तो हाथ सुन्न हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान का ही सैनिक है जो 8 दिन तक बर्फ के नीचे दबा रहता है, -40°C। 9वें दिन जब निकाला जाता है तो सांस चलती रहती है, सीना धड़कता रहता है, और तिरंगे झंडे पर उसकी पकड़ रात रत्ती भर भी ढीली नहीं पड़ती है। ये है हमारे हिंदुस्तान का सैनिक साहब, ये हमारा हिंदुस्तान, कमाल का देश है साहब। हनुमान थप्पा, 4 अच्छी पंक्तियां मेरे हिस्से में भी आई। जब 8वें दिन निकाला गया और वो सांसें चलती हुई दिखी तो बड़े कवियों ने कहा कि ये चमत्कार है साहब, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान में हुआ तो चमत्कार है, बहुत बड़ा विज्ञान हार गया। मेरे जैसी छोटी कलम ने कहा कि मैं इसको चमत्कार मानता ही नहीं, और अगर हिंदुस्तान में हुआ तो रोजमर्रा की चीज है। तो उन्होंने कहा फिर सिद्ध करो। मेरे चकिया के अच्छे लोग, मेरे पत्रकारों, कलम के सिपाहियों, तर्क रखता हूं, अगर तर्क ठक से कलेजे में लग जाए तो वो तालियां भी मुझे मिले जो अब तक किसी को नहीं। 8वें दिन जीवित निकलता है और मैं चमत्कार नहीं मानता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि भरसक कोशिश करती है मां एक एक व्यक्ति तक बात पहुंचे, भरसक कोशिश करती है मां बच्चे को शरारत करने नहीं देती, समेट लेती आंचल में उसे, अंधेरे से कभी डरने नहीं देती, और हनुमान थप्पा दुश्मनों की कैद में नहीं, भारत मां की गोद में था, और कोई भी मां गोद में कभी अपने बच्चे को। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, कोई भी माँ, कोई भी माँ, कोई भी माँ, वाह वाह, कोई भी माँ, क्या कहने, कोई भी माँ, एक बार फिर तालियां बजा दीजिए, कोई भी माँ गोद में कभी, आपने देखा होगा कि मरता हुआ बच्चा माँ की गोद में पहुंचा है तो वो जीवित हुआ है, लेकिन आज तक का इतिहास नहीं कि कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में मर गया हो। ये हमारा महान भारत देश है। नाम लेते हैं कुछ लोग, हैदराबाद का कोई सांसद है, क्या नाम है उसका, हाँ मैं अपनी जुबान का खराब करूं कभी कभी नहीं लेता, मैं दूसरों से ही कहलवाता हूं, फालतू गंगा जल ढूंढो, दुबान धो, क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। वो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं। हमने आरिफ को सम्मान दिया, हमने माँ सरस्वती आरिफ को सम्मान दिया, हम कैप्टन हमीद को सैल्यूट करते हैं, हम उसकी माँ को सैल्यूट करते हैं, हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं, देश का सर्वोच्च पद देते हैं, तब ऐसे में कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत बोलो, कोई टेंशन नहीं है, गंदी जुबान से बोलना भी नहीं चाहिए। जिसकी भारत माँ के प्रति श्रद्धा नहीं है वो भारत माता की जय नहीं बोले तो क्या। आपने देखा होगा टेलीविजन पर वो चेहरा आता है, 4 अच्छी पंक्तियां मेरी वायरल हुई बहुत जबरदस्त, बाद में कई लोगों ने कहा, आप सुनिए, टेलीविजन पर जब भी उसका चेहरा दिखा कभी हंसता मुस्कुराता नहीं दिखा, एकदम मनहूस चेहरा दिखा, जब भी उगला जहर उगला तब 2 पंक्तियां उसके लिए सादर समर्पित की कि वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अब आपका समर्थन मिले। आखिरी 4 पंक्तियां ये देना चाहता हूं कि जो लोग मनहूस होते हैं, जो लोग मनहूस होते हैं उनकी जिंदगी में प्यार का कोई भी तराना नहीं होता,
जो लोग मनहूस होते हैं उनकी जिंदगी में प्यार का तराना नहीं होता, और जब प्यार का तराना नहीं होता तो जिंदगी में कोई फसाना नहीं होता। और भारत माता की जय सिर्फ वही लोग नहीं बोलते हैं जिनके खुद के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिनके 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 खुद के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं होता। बहुत शानदार सुना है, दो मिनट और दे दीजिए, एक छोटी सी रचना सुना करके वीरगति को प्राप्त हो जाना चाहता हूं। सच में ये जो कवि सम्मेलन कैद हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से तमाम देखेगी दुनिया इसको, श्रोताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी कवि को वायरल करने। यहाँ दुष्यंत शुक्ला सिंह नादि को जब आप लोगों की उपस्थिति में देखेंगे लोग, तो पूरा देश, क्या देश के बाहर भी लोग बुलाने का सोचते हैं। प्रमोद पंकज ने आज शानदार का, अमित इत्तफाकन कोई कवि नहीं आया, मेरे जहन में अमित था, मैंने कहा अमित को बुलाया जा सकता है, आपका दिल जीता अमित ने। एक डेढ़ दो मिनट की कविता और अंतिम रूप से सुना करके रखता हूँ, जिसका जिक्र बार बार आया लेकिन कविता की शक्ल में नहीं आया। दर्द मेरा भी यही है, पद्मश्री बटे, बहुत अच्छा लगा जब पूरी धोती पहने नंगे पैर एक महिला आई पद्मश्री पुरस्कार लेने, लगा कि हाँ हिंदुस्तान में सच मायनों में सही जगह पहुंच करके पद्मश्री दिया जा रहा है, उसके लिए सैल्यूट मोदी जी को, यहाँ की सरकार को। लेकिन जब एकता कपूर को दिया गया तो दिमाग घूम गया, काहे के लिए, उसके सीरियल देखो तो सर पीटने का मन करता है, घर टेढ़ू सीरियल, इसका रिश्ता उससे और उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब बताओ भाई साहब, इसमें काहे की पवित्रता, और जब कोई ढूंढने बैठ जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझे नहीं आता। इस तरह के सीरियल करण जौहर को क्यों दिया जाता है? मेरा भी दर्द यही है,